चोर कितने भी साहिर हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये नमूने नौसिखिए चोर ऐसे करतब दिखा जाता है जिसे देखने के बाद कोई भी अपने हंसी को रोक नहीं पाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपके लिए लेके आए हैं एक से बढ़कर एक नमूने चोर। अब नजर डालिए इन दो महाशय के ऊपर। न जाने इन दोनों को ऐसा क्या जरूरत आ गई कि लोगों के गाड़ियों का शीशा तोड़ने लग गए। पर वही दरवाजे के पास ठहरा मालिक इन दोनों के करतूत देख रहे थे। आगे और क्या, जब वो दोनों भागने के लिए तैयार हुए तभी मालिक ने सुपरमैन की तरह आके इन दोनों को लपेट लिया। और जिस तरह से इन दो चोरों को घर के अंदर लेके जा रहा है, इसे तो सब सब पता चल रहा है आज इन दोनों की जम के मेहमान नवाजी होगी। इस फोन के दुकान में ये शख्स फोन खरीदने के बहाने आता है और महंगी वाली फोन को हाथ में लेकर इसे खरीदने का एक्टिंग करता है और दुकानदार को बातों में उलझा कर फोन लेके भागने लगता है। और जब तक दुकानदार दुकान से बाहर निकलता है तब तक वो बाइक से 9-11 हो चुका था। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है इन चोरों के चोरी करने का अंदाज भी काफी बदल रहा है। जैसे कि इन दो भाई सबको ही देख ले, एक हट्टा कट्टा गाय को दिन दहाड़े गाड़ी में डाल के फरार हो गए। इन दो हैवी ड्राइवर की चोरी करने का स्वैग ही अलग लेवल का था। इन महाशय ने चलते हुए वैन से बहुत ही अनुभव के साथ सामान निकाल रहे थे। और इनको क्या पता था कि इन दोनों की करतूत पीछे वाले कार ड्राइवर ने रिकॉर्ड कर चुका था। अब मिलिए इन दो मन बुद्धि से। इनको देखकर लगता है कि जुए में हारने के बाद रेस्टोरेंट की टीवी चोरी करने के लिए आ चुका था, लेकिन ये लोग इस धंधे में इतना ही नए थे कि टीवी को दीवार से निकल ही नहीं पाए और फिर गुस्से में आके टीवी को वहीं छोड़े संभलते भागने लगते हैं। अब मिलिए इस निंजा हथौड़ी से। एक महिला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए उतरती है और वही ये शख्स उनके बगल में गाड़ी लगाकर चुपके से उस लड़की का पर्स निकल कर फरार हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कोई देखे या ना देखे, लेकिन सीसीटीवी सब देख रहा है। गहने के दुकान में ये महिला ग्राहक को गहना पहना रही थी और ग्राहक जब भाग के आईने के पास जाने लगती है खुद को आईने में देखने के लिए, उन्हें को लगा कि ये लड़की गहना लेकर भाग रही है तो वो भी कूद पड़ी और पीछा करने लगी। पर जब उसको पता चली तो वह शर्मा गई। एक कपल सज धज के गहने की दुकान पर आता है। दुकान मालिक ने तरह तरह के डिजाइन तो दिखा रहा था, लेकिन दीदी का नजर तो बाजू वाले नेकलेस पर अटक गई। और क्या, दीदी ने चतुराई के साथ अपने साथ लई हुई बॉक्स से नेकलेस को ढक दिया और उसे लेकर फरार होने का सोचा। अब दुकान मालिक भी जाने क्यों था, उसने नेकलेस बॉक्स के नीचे बिलिंग कागज लगा कर रखा था। जैसे ही दुकान मालिक को पता चला तो उन्होंने अपने कुत्ते को इशारा कर दिया। कुत्ते को देखकर दीदी का तो टाइटली फीस हो गया। फिर वो बॉक्स को उस आदमी के हाथों में थमा कर भाग गई। लेकिन अब भैया का तो ये है दुनिया का सबसे बदनसीब चोर, जिसने मेट्रो में बैठा इस शख्स का फोन छीन के भागने जा रहा था और तभी मेट्रो का गेट बंद हो गया। और इसके बाद क्या हुआ अब खुद ही समझ में। जब ये महिला शॉपिंग मॉल के पार्किंग से निकल रही थी तब ये चोर उनके गाड़ी के पीछे ट्रॉली लगा दिया ताकि ये महिला गाड़ी से उतर कर ट्रॉली को हटाए। और प्लान के मुताबिक जब महिला गाड़ी से उतर कर ट्रॉली को हटाने लगी तभी ये चोर घूमकर एक वैन के नीचे से स्पाइडरमैन की तरह आकर गाड़ी खोल के पर्स लेकर भाग गया।